ओके, इसमें हम MGT 6 10 का क्विज करेंगे। इसके लिए गूगल और ChatGPT, ये दोनों दो, एक टैब पे गूगल, एक टैब पे हमने ChatGPT ओपन करके रख लेनी है। ठीक है, करेंगे क्या, जब हमारा सबसे पहले जो क्विज आएगा, इस तरीके से जो क्विज आएगा वो हम पहले पूरी स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद माउस के ड्रैग से हम यहाँ पे इधर ले आएंगे, इधर छोड़ देंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ से लेकर इधर तक ये सिलेक्ट होगी और ड्रैग के थ्रू हम यहाँ पे छोड़ के, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको पूरे को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल बी से ChatGPT पर ला के पेस्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है ना, इसको इस तरीके से स्टेटमेंट बना लेनी है और यहाँ पे ये अब सब कुछ आ चुका है। अब हम एंटर करेंगे, वो हमें बता देगा इसकी ये वाली है राइट ऑप्शन। ठीक है, मोस्टली MCQs ठीक बताता है, कुछ होते हैं एक दो जो ये रॉन्ग बताता है, बाकी इसमें ज़्यादातर ठीक ही होते हैं। इसमें ऐसे ही मैंने मैथ का करता हूँ और MGT का जो फाइल नहीं मिलती वो मैं इस तरीके से अटेम्प्ट करता हूँ अपने क्विज। ठीक है, मैथ का भी इसी तरीके से करना है कि यहाँ पे हमने जिस तरह मैंने बताया कि इसको पहले सेलेक्ट करो, फिर ट्रैक के थ्रू यहाँ ले आओ गूगल पर। अच्छा, अगर आप ऐसे डायरेक्ट इसको ले आएंगे ना यहाँ पे तो नहीं होगा ऐसे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको गूगल की सर्च बार पे ये यहाँ पे ला के छोड़ देना है। यहाँ पे चीज़ें आएंगी, फिर आपने यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे ला के कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। ठीक है, सेकंड क्विज हमारा है, अब हम गूगल पे आएंगे। सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट को हम पिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये जो हमने सेलेक्ट पहले सबसे पहले हाईलाइट करना, फिर हमने ट्रैक के थ्रू यहाँ पे पेस्ट कर देना, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल बी से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस तरीके से हमने ओनली लगा देना है और एंटर कर देना है इस ChatGPT को 15। याद रहे कि ChatGPT आपका छोटी साइज़ में होना चाहिए, तभी आपका एंटर करके ये चीज़ इस जो नीचे आ जाते हैं ना, ये इस तरीके से एंटर करोगे इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन, ये अपनी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, इसको चेक किया हुआ है ChatGPT से मैंने। तो नेक्स्ट ये है ऑप्शन, इसको पहले स्टेटमेंट को कॉपी किया, फिर इस तरीके से हमने तमाम कंट्रोल ए से सारी सेलेक्ट की, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल बी से यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया और ओनली अब यहाँ से क्लिक करके इसको देखते हैं ये क्या बताता है। ऑल गुड्स, अच्छा इसका 1937 है, ये मैंने चेक किया हुआ है पहले भी। तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ये स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया, ट्रैक के थ्रू हमने यहाँ पे ले आया। ये कंप्यूटर से ही होगा आपका, ऐसे नहीं होगा, लैपटॉप या कुछ और हो ना, मोबाइल पे नहीं हो ऐसी चीज़ें होंगी। मोबाइल का मुझे नहीं आइडिया। और यहाँ पे लगे कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट होगा, फिर कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल बी से लाके यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे ओनली इस तरीके से हमने इस मार्केट हैव आर द डिफाइनिंग, मार्केट हैव आर द डिफाइनिंग, सर्वर स्लो चल रहा है। ये अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आई है, सबसे पहले ये यहाँ पे लाके पेस्ट करना है, उसके बाद ये सारी स्टेटमेंट को इस तरीके से पेस्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी।
and several pollutants. और अब नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट हमारा ये वाला है 8, इसको हमने कॉपी सेलेक्ट किया, यहाँ पे लाके पेस्ट किया। इसी तरीके से आपने जो भी फाइल नहीं मिली ना, वैसे ही आपने यहाँ पे लाके इसी मेथड्स के थ्रू आपने कोई से अटेम्प्ट कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे ओनली ये मैंने जो स्प्लिट किया ना स्क्रीन, ये मैंने मिनिमाइज किया है दोनों टैब को, और फिर साइज़ को एडजस्ट करके इस तरीके से मैंने इन दोनों टैब का साइज़ एडजस्ट किया बस। और ये टैब जो है ना, वो दो अलग अलग ब्राउज़र में ओपन है, ये सेम ब्राउज़र नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे कंट्रोल सी, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, इंटरेस्ट, ओके, सी रैंक, ओके लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ये। मैंने ये कहा था कि हमने इसको सबसे पहले सेलेक्ट हाईलाइट कर लेना है, फिर ट्रैक के थ्रू गूगल के सर्च बार पर लाकर पेस्ट करना है सबसे पहले। फिर क्या करना, कंट्रोल ए से सब कुछ सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल सी से कॉपी करना है और कंट्रोल वी पर लाकर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के आगे ओनली लिखना है, तो ये ग्रीन हाउस इस तरीके से कर देगा। अगर तो डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे ना यहाँ पे, तो ये ऐसे नहीं पेस्ट होता। ठीक है, ओके, थैंक यू।